मैं भैया मिश्रा आज फिर हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें। मैं कल 5 क्वेश्चन बताए थे दीर्घोत्तरी में। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर 12 है। तो ध्यान दीजिए, वर्ग की भुजाएं माना, पहली वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरे वर्ग की भुजा मतलब साइड y, स्क्वायर का साइड। तो एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। क्षेत्रफल हो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर और प्लस इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों का योग दिया हुआ है 117। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, उनके परिमापों का अंतर, मान लीजिए साइड दिया हुआ है स्क्वायर का, x दिया हुआ है, तो परिमाप होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणे परिमाप होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो एक वर्ग का परिमाप हो गया 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया 4y, इसका डिफरेंस अंतर दिया हुआ है 12, ठीक है। तो पूछ रहा है वर्ग की, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। आइए साल्व करते हैं इसको। इसको देखिए, 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, अब 4 थ्री जा 12, एक्स माइनस वाई बराबर ये हो गया 3, एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखिए, आप जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई है ना, तो एक्स माइनस थ्री का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 117 माइनस 2xy इज इक्वल टू 9, 3 × 9, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, 117 माइनस 9 बराबर 2xy। अब xy बराबर 117 में से 9 घटा दीजिए, हो जाएगा 98, x में 117 में से 9 जाएगा 7, 108 बटे 2 बराबर आ जाएगा 54, यानी एक्स वाई बराबर आपका आ गया 54, ठीक है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 से के लिए हैं तब ये बना है, दोनों तरफ का वर्ग किए हैं, ये निकला हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हैं, अब ये लिया जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। मान भरिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 117 दिया हुआ है देखिए, और एक्स वाई अभी आप निकाले हैं 54, 7 × 4 = 11, पांच एक छह, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कोई कह दे कि सही क्या है, तो सही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी सही है, लेकिन कहीं कहीं ये फार्मूला नहीं लगता है। चलिए तो उस हिसाब से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ, प्लस है तो प्लस, दो है तो दो एक्स वाई का मान भर दिया। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 117 धन 108, अब ये हो जाएगा 8 सात 15 एक दो एक एक दो 225, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 225। अब एक्स प्लस वाई बराबर 225 करणी में बराबर 15, मतलब अब आपका क्वेश्चन क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई बराबर 15 और एक आपका क्वेश्चन ऑलरेडी यहां है समीकरण इक्वेशन एक्स माइनस वाई बराबर 3, इसको हल करिए जोड़ दीजिए 15 3 18 एक्स बराबर 18 बटे 2 9 18 बराबर 9। अब एक्स बराबर 9 मान भर दीजिए इसमें या इसमें, और नहीं तो इसी को लिख करके एक बार घटा दीजिए तो माने भर दीजिए समीकरण नंबर एक में। समीकरण नंबर एक में रखने पर x प्लस वाई बराबर 15 तो 9 धन y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 9 बराबर 6। अब x बराबर आ गया 9 और y बराबर 6, मतलब पहले वर्ग की भुजा 9 और दूसरे वर्ग की भुजा 6। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कई बार इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो आप बताएं, इसको हम बताएंगे फिर बताएंगे। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन समझने से पहले कुछ फार्मूले को समझने की जरूरत है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझेंगे। आप जानते भी होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। उस हिसाब से ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर होगा और सी का स्क्वायर। अब ये टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और प्लस टू सी ए, इस हिसाब से ये फार्मूले होते हैं। अब आइए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। उस हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। उस हिसाब से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। अब एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर, पहले क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर, ये तो जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई ये सारा लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर, ये पूरा जीरो, ये उधर चला जाएगा, प्लस थ्री ए बी सी हो जाएगा। यानी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी। कुछ फार्मूले लिख दिया हूँ, इसको आप लर्न करेंगे और समझेंगे तब आगे का क्वेश्चन समझा जाएगा। धन्यवाद।